बाद में कि एक फैक्ट्री में आग लगी। हमने 4 फायर टेंडर इमीडिएटली भेजे जो आसपास थे, 2 बाद में और भेजे। कंजस्टेड एरिया था और ये पेंट की फैक्ट्री थी, जब पेंट में आग लगती थी थोड़ी मुश्किल से बुझती है। और अनफॉर्चुनेटली इसमें क्या थे, मुझे लगता है कुछ थिनर के डम थे, क्योंकि एक ब्लास्ट हुआ उस वजह से सामने के घरों में और एक नशा मुक्ति केंद्र में भी आग फैल गई थी। आग पे करीब 4 घंटे में हमने काबू पा लिया था, 9 बजे तक हमारा वो हो गया था। पर अनफॉर्चुनेटली इसमें जो है 11 लोगों की जो डेथ हो गई, ये लेबरर थे, ये अंदर ट्रैप हो गए, क्योंकि पेंट की जो आग होती है वो बहुत मुश्किल से बुझती है और बिकॉज ऑफ ब्लड जो ब्लास्ट हुआ उससे बिल्डिंग गिर गई और ये लोग ट्रैप्ड हो गए। हमने शुरू में 3 निकाले थे, कल आज अगर आप देखेंगे 3 थे, पर सर्च ऑपरेशन हमारे कंटिन्यू अभी भी है। तो 8 बॉडी रात में और निकली, बाद में एनडीआरएफ भी आ गई थी हमारे पास और सर्च ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यू, और 2 लोगों की ऐसे बताया जा रहा है, 1 से 2 लोग और भी हो सकते हैं। जैसे ही धमाका हुआ तो सारे इकट्ठे हुए बाहर, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो एकदम से सबको अचंबा सा लगा कि ये कैसे आग लगी। तो आग लगने के बाद हमने भी काफ़ी ट्राई किया उसको बुझाने के लिए, बाल्टी से पानी, पीछे से भी कुछ जो रास्ता था वहाँ से भी कुछ को उतारने की कोशिश की सीढ़ी से। तो उसके चलते हमने 100 नंबर पे, 101 नंबर पे जो फायर ब्रिगेड गए उस पर भी कॉल की थी हमने, तो गाड़ी भी आई फिर बाद में, तो कम से कम 7 या 8 गाड़ी आई थी, 7 या 8 गाड़ी आई। तो एक तरफ से तो आग बुझी नहीं रही थी, पीछे के रास्ते से भी मैंने गाड़ी को भेजा कि मैं वहाँ से भी आग आप बुझाओ और सामने से भी, और 3 रास्ते रखते इसमें, तो 3 रास्तों से हमने आग बुझाने की कोशिश करवाई और जिससे उस समय आग को काबू पाया। तो सर किस चीज़ की फैक्ट्री थी, पता चला? ये पेंट वगैरह बनाते हैं, पेंट।